हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीमेट्री। ओके, कि टेलीमेट्री हमारा क्या होता है, टेलीमेट्री सिस्टम क्या होता है, किस किस टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ उनका क्लासिफिकेशन क्या है हमारा। ओके, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि वॉट इज टेलीमेट्री, टेलीमेट्री हमारा क्या होता है। तो टेलीमेट्री क्या है हमारा, कि टेलीमेट्री क्या है, एक हमारी प्रोसेस है, एक हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी बोलेंगे अपन। टेलीमेट्री एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है किसी भी रिमोट लोकेशन से कन्वीनियंट लोकेशन तक लाने के लिए। अपन क्या करते हैं, टेलीमेट्री का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, मतलब गांव वगैरह के एरियाज हैं जो भी हैं, वहां पे क्या है, सब जगह हमारे सब स्टेशन बने होते हैं क्या, नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह सब स्टेशन बना देते हैं, मेन एरिया में बना देते हैं, ताकि वहां पे सब लोग आए, वहां पे अपना बिल वगैरह जमा कर सके या कुछ भी। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे सब स्टेशन है वो थोड़ी थोड़ी दूर पे बने हैं, या जो रिमोट लोकेशन है, दूर दराज के एरिया है, वहां पे अपन नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहां पे इजिली कन्वीनियंट हमारा नहीं होता है कि हम कहीं भी जा सके या कुछ भी कर सके हमारा। ओके, तो वहां की जो इंफॉर्मेशन है, वहां क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल के टर्म में, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ओके, कहां से, रिमोट एरिया से एक कन्वीनियंट लोकेशन तक, मतलब जहां पे हमारा सब स्टेशन बना है वहां तक, उस वहां की सारी इंफॉर्मेशन को ले आना, वो क्या कहलाता है हमारा, टेलीमेट्री कहलाता है। ओके, तो क्या बोलेंगे अपन, टेलीमेट्री क्या हमारा, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट डाटा, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट डाटा, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन, फ्रॉम रिमोट लोकेशन एंड देन ट्रांसमिट दैट डाटा टू अ कन्वीनियंट लोकेशन, एंड देन ट्रांसमिट दैट डाटा टू अ कन्वीनियंट लोकेशन। ओके, मतलब क्या बोलते हैं अपन, कि टेलीमेट्री क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ओके, टेलीमेट्री इज अ टेक्नोलॉजी, टेलीमेट्री क्या है, एक टेक्नोलॉजी है डाटा को कलेक्ट करने की एक रिमोट लोकेशन से, और उसे ट्रांसमिट करना उस डाटा को एक कन्वीनियंट लोकेशन तक। ओके, मतलब उस लोकेशन तक लाना जहां अपन उसको क्या कर सके, मेजर कर सके, ये क्या कहलाता हमारा, टेलीमेट्री कहलाता है। ओके, तो सिंपल, टेलीमेट्री का यूज कहां पे करेंगे, वहां करेंगे जहां पे हमारा क्या है, डाटा को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि जहां पे हमारे सिस्टम लगा ही नहीं है, जहां पे अपन को मेजर करना है, वहां अपन क्या करेंगे, टेलीमेट्री का यूज करेंगे। ये जो वर्ड है टेलीमेट्री, ये कहां से आया है, टेलीमेट्री। ओके, टेलीमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, टैली और मेट्रॉन। ये एक कौन सा हमारा, एक हमारा ग्रीक वर्ड है। ओके, ये हमारा ग्रीक से लिया गया है, ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो टैली और दूसरा हमारा क्या, मेट्रॉन। ओके, टैली मतलब होता है क्या हमारा, रिमोट, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजर। ओके, तो रिमोट एरिया से कोई भी डाटा को मेजर करना, ठीक है, रिमोट एरिया से कोई भी डाटा को मेजर करना क्या कहलाता है हमारा, टेलीमेट्री कहलाता है। ओके, टेलीमेट्री क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है, टैली और मेट्रॉन। टैली मीन्स होता है रिमोट, और मेट्रॉन मीन्स मेजर, क्योंकि जो रिमोट एरियाज होते हैं यहाँ पे हमारे सब स्टेशन वगैरह नहीं लगाते हैं अपन, जो सब स्टेशन वगैरह है वो अर्बन एरियाज में, या फिर जो थोड़ा सा अच्छा एरिया है वहां पे अपन उसको लगा देते हैं, ताकि जो भी हमारे वहां के पर्सन है वो एक जगह जाके, हर एक जगह तो नहीं लगा सकते ना अपन, तो वो अर्बन एरियाज में लगे होते हैं, इसलिए जो रिमोट एरिया का डाटा है उसको अपन कैसे हमारा कलेक्ट करेंगे, या उसको कैसे हम यूज करेंगे, तो रिमोट एरिया से जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना और फिर उसको ट्रांसमिट करना क्या कहलाता हमारा, टेलीमेट्री कहलाता है। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ टेलीमेट्री, कि जो टेलीमेट्री है उनके क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के टेलीमेट्री हमारे हो सकते हैं, टेलीमेट्री जो सिस्टम है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेलीमेट्री अपन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेलीमेट्री। ओके, क्या क्या क्लासिफिकेशन है टेलीमेट्री के, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। ओके, फर्स्ट अगर अपन देखेंगे तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, किस टाइप की इंफॉर्मेशन अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब जो रिमोट एरिया है उससे कन्वीनियंट लोकेशन तक जो भी हम पहुंचा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो क्या पहुंचा रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर क्या हो जाता है हमारा, दो टाइप से होगा। तो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डाटा क्या हो सकते हैं, या तो एनालॉग होंगे या फिर क्या होंगे, डिजिटल होंगे। यही होता है ना, डाटा हमारे दो ही होते हैं, या तो एनालॉग के फॉर्म में होते हैं। एनालॉग डाटा क्या होता है, वह डाटा जो कि कंटिन्यूस होता है विद टाइम, जो कि हर एक एक टाइम पे क्या होता है, चेंज होता है एनालॉग डाटा। तो जो बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड है इसके बेस पे दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो एनालॉग टेलीमेट्री, इसमें दो टाइप से हो सकते हैं, एक एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम और दूसरा डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम। अब जो एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम है इसमें क्या क्या आ सकता है हमारा, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, पोजीशन हो गया, ये सब हमारे क्या है, एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ओके, एनालॉग मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, डाटा कंटिन्यूस विद टाइम, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूस क्या करता है हमारा, डाटा वेरी करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम। जैसे कि वोल्टेज है, अगर एसी वोल्टेज है तो वो कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे टाइम के साथ ये क्या हो रहा है हमारा, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, किस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, कैसी इंफॉर्मेशन अपन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो एनालॉग है या डिजिटल है, तो उसके बेस पे ये दो टाइप के हो गए, पहला एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, एनालॉग सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या होता है, वेरी होता है, जैसे जैसे टाइम वेरी करता है वैसे वैसे क्या करता है, उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या करता है, वेरी करता है। ओके, तो फर्स्ट टाइप का हो गया एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम, सेकंड इसी में क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम। अगर अपन डिजिटल डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, इसमें क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ओके, डाटा ट्रांसमिटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, पल्स के फॉर्म में। ओके, मतलब किस तरीके से रहता है, अगर डिजिटल है तो हम देखते हैं ऐसे रहता है, मतलब ये पल्स के फॉर्म में रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रहेगी, एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। ओके, कैसा होता है हमारा, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो पल्स के फॉर्म में मिलता है। तो बेस्ड ऑन डाटा ट्रांसमिटेड दो टाइप से होगा, एक हो गया एनालॉग और एक हो गया डिजिटल। अगर एनालॉग डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम, और अगर डिजिटल डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, ये हो गया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, किस तरीके की इंफॉर्मेशन अपन क्या कर रहे हैं, एक रिमोट एरिया से कन्वीनियंट लोकेशन तक ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके बेस पे। ओके, सेकंड टाइप का हो जाएगा हमारा क्या, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चैनल यूज। फर्स्ट हो गया हमारा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, सेकंड हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चैनल यूज, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चैनल यूज, किस तरीके का ट्रांसमिशन चैनल यूज कर रहे हैं उसके बेस पे जो है टेलीमेट्री सिस्टम आर ऑफ टू टाइप। ओके, एक हो जाएगा लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम और एक हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम क्या हो जाएंगे, वह टेलीमेट्री सिस्टम जिसमें क्या होता है, एक प्रॉपर क्या होता है, सिस्टम होता है, मतलब एक प्रॉपर केबल होगी या कुछ भी होगी जिसके थ्रू क्या होगा हमारा
डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। ओके, तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चैनल यूज के बेस पे इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप है हमारा लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम होता है? ये वह सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एक पूरी प्रॉपर लाइन बिछी होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ जो भी बिजली आ रही है, जो भी लाइट आ रही है, तो क्या है, एक प्रॉपर चैनल है कि नहीं है। जो भी हमारा मेन पावर सिस्टम, पावर स्टेशन है, वहां से क्या है, ट्रांसमिशन लाइन डली होती है। वहां से हमारे घर के बाहर तक जो ट्रांसफार्मर लगा है, वहां तक हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आएगी। उसके बाद हमारे घरों तक है, तो वो वायर से, केबल से डली हुई है। तो जहां पे एक प्रॉपर ट्रांसमिशन चैनल बिछा हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, अब लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम भी कई सारे टाइप से होते हैं। पहला हो गया हमारा क्या, वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम, वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम। सेकेंड, करंट टेलीमेट्री सिस्टम। थर्ड वन इज पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम, पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट, ऑडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम, ऑडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। एंड लास्ट वन इज पल्स टेलीमेट्री सिस्टम, पल्स टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है, इट इज ऑफ फाइव टाइप। फर्स्ट वन इज वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो जो वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम है, इसमें क्या होगा, अगर जो डाटा अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, टेलीमेट्री मीन्स इट इज अ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन टू अ कन्वीनियंट लोकेशन, मतलब डाटा ट्रांसमिट करने को ही क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री प्रोसेस बोलते हैं। अब जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है। तो जो डाटा ट्रांसमिट करेंगे उसी के नाम के बेस पे क्या हो जाएंगे, ये टेलीमेट्री सिस्टम डिसाइड होते हैं। तो अगर वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इट इज ऑफ वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम, करंट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो करंट टेलीमेट्री, पोजीशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पोजीशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड पल्स टेलीमेट्री सिस्टम। ये सारे हम आगे की क्लासेस में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्या, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं। इसमें कोई भी हमारा प्रॉपर चैनल नहीं होता है, एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं। तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चैनल यूज में फर्स्ट हो गया लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम, नेक्स्ट वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक तो हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री, और सेकंड वन इज पल्स टेलीमेट्री। इसमें एक हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री, और एक हो जाएगा हमारा पल्स टेलीमेट्री। ओके, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री है, इट इज ऑफ टू टाइप, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड पल्स टेलीमेट्री। तो आप देखते हैं जो भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल क्या है, उनमें कोई प्रॉपर चैनल है क्या, नहीं है। हमारे मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं, जो भी सिग्नल के बेस पे हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जितनी अच्छी होती है, जितनी हाई होगी, उतना ज्यादा हमारा चैनल क्या करेगा, कवर करेगा हमारा। हम रेडियो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, हम फ्रीक्वेंसी उसकी क्या करते हैं, मैच करते हैं। फ्रीक्वेंसी जहां मैच कर गई है, वहां पे वो क्या है, चलने लगता है, अदरवाइज क्या होता है, सिग्नल्स नहीं आते हैं। ओके, बट उसमें क्या है, कोई प्रॉपर चैनल तो नहीं है कि वहां से रेडियो स्टेशन चल रहा है तो यहां तक हमने अपना चैनल जोड़ा है, नहीं ना। एक क्या है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो जहां पे एक प्रॉपर चैनल नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है, वो क्या हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इट, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट वन इज पल्स टेलीमेट्री। तो ये हमारा होल डिस्कशन कि टेलीमेट्री क्या होता है।
ओके, तो टेलीमेट्री क्या है? एक प्रोसेस है डाटा को ट्रांसमिट करने की किसी भी रिमोट लोकेशन से एक कन्वीनिएंट लोकेशन तक। ओके, फिर टेलीमेट्री सिस्टम, टेलीमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि टेली प्लस मेट्रोन से मिलके बना हुआ है। टेली मीन्स हो गया हमारा रिमोट और मेट्रोन मीन्स मेजर, मतलब रिमोट एरिया से कोई भी डाटा को मेजर करना और कन्वीनिएंट लोकेशन तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं? टेलीमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, किस तरीके की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके बेस पे इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज एनालॉग एंड सेकेंड वन इज डिजिटल। जिस तरीके का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसके बेस पे ये दो प्रकार के होंगे। अगर एनालॉग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डिजिटल। ओके, फिर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल यूज, जो ट्रांसमिशन चैनल यूज कर रहे हैं, अगर अपन प्रॉपर एक लाइन बिछा के यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम, और अगर फ्रिक्वेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। अब लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम में क्या डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं? वोल्टेज कर रहे हैं तो वोल्टेज हो जाएगा, करंट कर रहे हैं तो करंट टाइप का। तो जो डाटा ट्रांसमिट करेंगे उसी के बेस पे इसका नाम पड़ जाता है, उस तरीके का ये क्या होगा? टेलीमेट्री सिस्टम होगा। ओके, तो ये हमारा होल डिस्कशन था, एक मतलब बेसिक्स था हमारा कि टेलीमेट्री होता क्या है। ओके, थैंक यू।